स्वच्छ प्रदेश उत्तर प्रदेश। साथियों, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहीम नगर डिडोली में हैं और यहाँ पर हमने आज लोगों से बातचीत करी, जिसमें पता चला कि लगभग 15 से 16 सालों से ना तो यहाँ पे सड़क है, ना सीवर है, ना ही नालियाँ पड़ी हैं। प्रदेश को स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। स्मार्ट सिटी का आप हाल देख सकते हैं। समस्या है कि हम लोग यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, कोई नाली नहीं, कोई रोड नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और यहाँ मुर्दा भी डाल देते हैं, जलते हैं, बदबू आती है, इतनी कि लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं। बरसात में इतनी बदबू आती है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, इतनी गंदगी है। हम लोगों के बच्चे यहाँ रहते हैं, गंदगी में खेलते हैं, नाली बहुत दूर तक देखिए नहीं है, ना रोड बहुत दूर तक बनी है, आप खुद ही देख लीजिए कितनी दिक्कत है हम लोगों को। कोरोना जैसी बीमारी इतनी फैल रही है सारे देश में, अगर बच्चे मर जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, सभासद होगा कि सरकार होगी? क्या समस्या है यहाँ? समस्या क्या है मैडम कि पानी सब भर जाता, रोड नहीं सही है, और कोई देखने भी नहीं आता है, इतनी गंदगी रहती, कुछ कहने नहीं। कब से है ये समस्या? तो कम से कम 15-20 साल हो रहा है। तो इसके लिए कहीं आप लोग गए, कहीं पे शिकायत करी? जगलाल के वहाँ गए मैडम। कौन है वो? वो यहाँ के सभासद थे। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? वो कहने लगे पहले कहीं बन जाएगी, उसके बाद घुमा आया, फिर यहाँ से उठ के चला गया, कहने लगे मेरे एरिया में नहीं है, और वोट डालने सब कुछ जाते हैं, वही कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं अभी आप लोग? तो हम तो यही मैडम चाहते हैं कि मेरी यहाँ रोड सब बन जाए, बहुत गंदगी है, पानी बहुत भर जाता है, मेरे मोहल्ले में भर जाता है, यहाँ निकलने कोई वो नहीं रहता है, गाड़ी वाड़ी फंस जाती है, अभी कोई बीमार पड़ जाए, इमरजेंसी में कहीं जाना आना हो तो कैसे जाएंगे मैडम? यहाँ ना रोड है, ना यहाँ पे खेलने की जगह है, यहाँ पे बीमारी फैलती है, यहाँ पे मुर्दा भी जलाए जाते हैं, ना यहाँ पे रोड बनी हुई है, जब बारिश होती है यहाँ पे बहुत चैला भर जाता है, हम लोग खेलने की जगह भी नहीं, ना हम लोग किधर से स्कूल जाएंगे, आप बताइए। जो हम लोग कहने जाते हैं, सभासद कहती है मेरे पास मेरी एरिया नहीं है, जो वो विधायक के पास जाते हैं वो कहते हैं मेरे पास बजट नहीं है, यहाँ पे गिट्टी उट्टी गिरी थी फिर उठा ली गई थी, पत्थर भी गिरे थे वो भी उठा ले गए थे वो। अच्छा, तो खेलने के लिए जगह नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ पे कुछ नहीं, जब बारिश होती है वहाँ कीचड़ भर जाता है पानी, यहाँ पे नाली वाली भी नहीं कुछ बनी हुई। अच्छा, बीमारी चल रही है, बच्चे जब मर जाते हैं उनका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताइए। वीडियो बनाने के बाद हमने यहाँ पर समुदाय के लोगों से बातचीत करी और उनके साथ मीटिंग करी, साथ ही एक प्रार्थना पत्र लिखा जो यहाँ के सभासद और यहाँ के विधायक को दिया गया है। विधायक महोदय से मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि बजट आते ही वो यहाँ का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। हमारी वीडियो को देखने इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, समस्या दूर हो जाए, हमारे मोहल्ले की गंदगी भी दूर हो जाए, हमारे मोहल्ले की नाली भी बन जाए। मैं ज़ैनब राज, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, इंडिया अनहद के लिए।